हेलो मेरे प्यारे लिसनर, आई होप आप अच्छे होंगे। तो फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, आप प्लीज़ ज्वाइन हो जाना और फॉलो कर लेना। और उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम कुछ राइटर्स हैं, आपके साथ नॉवल का डिस्क्रिप्शन और कुछ ऑडियो बुक्स शेयर करेंगे, ताकि मतलब हर जगह अपलोड कर सके, आपका रिएक्शन भी पा सके। चलो नॉवल पे आते हैं। वाइट हेवन पेंट हाउस। अगस्तिया अपने सीट पे बैठा हुआ था, दूसरी ओर बामाक्सी रोए जा रही थी। तभी अगस्तिया गुस्से में कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जान ले लूँगा तुम्हारा। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहती है, देखो मेरी जान मत लेना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे जाने दो, क्यों रखा है यहाँ पे, जाने दो मुझे, नहीं जाने दूंगा तुम्हें, क्या ही करोगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे। अरे यहाँ पे जो आता है वो कभी भी नहीं जा पाता, ये टॉर्चर हाउस है और तुम्हें भी यहाँ पे टॉर्चर करने के लिए लाया गया है। क्या मुझे टॉर्चर करने के लिए लाया गया? पर मेरी क्या दुश्मनी है तुमसे, तुम जाने क्यों नहीं देते? एक तो मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और यहाँ पे टॉर्चर। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं जिंदा क्यों हूँ, मैं मर क्यों नहीं जाती, मुझे मरना है, नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे बस दर्द और तकलीफ़ हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सुन के अगस्तिया कहता है, ओह अच्छा तो तुम्हें मौत चाहिए, वो तो मैं ज़रूर दूंगा पर अभी नहीं, पहले तो अपना सज़ा पूरा करो। और तुम्हारा सज़ा ये है कि तुम्हें 3 वक्त का खाना बनाना पड़ेगी और घर पे झाड़ू पोछा करना पड़ेगी और बाकी काम भी सब कुछ तुम्हें ही करना है। ये सुन के हैरान हो जाती है वामाक्सी और कहती है, क्या मैं ऐसा क्यों करूँ, मुझे नहीं करना ये सब, मुझे घर जाना है, मैं कोई नौकर नहीं हूँ, मुझे जाने दो, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो तुम्हारी जान ले लूँगा मैं और तुम्हारे बच्चे का भी, मैं बहुत ही ज़्यादा बेरहम और बेदर्द हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के बामाक्सी और भी ज़्यादा डर जाती है और कहती है, नहीं मुझे जाना है। ये बोल के वो भागने की कोशिश करती है, पर तभी कोई आता है और उसे खींच लेता है। वो घबरा जाती है और पीछे मुड़ के देखता है तो ये अगस्तिया था। अगस्तियों को देख के वो हैरानी से कहती है, आप यहाँ पे कैसे आए, और फाइनली आप आ गए, आप कहाँ थे, ऐसा बोल के वो रोने लगती है और अगस्तिया को गले लगा लेती है, जो देख के अगस्तिया कस के अपना आंखें बंद कर लेता है और उसकी कमर पे हाथ रख के कहता है, हाँ मैं ही हूँ जो तुम्हें यहाँ पे लाया है और तुम्हें ये सब करना है, ये तुम्हारा सज़ा है, तो अपना सज़ा पूरा करो। ये बोल के अगस्तिया ने उसे हटा दिया और कहा, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है, वैसे भी पति हूँ तुम्हारा, जाओ जाके खाना बना के लाओ। ये सुन के बामाक्सी अपना सर नीचे करके कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ खाना बनाने, पर किचन कहाँ पे, मुझे पता नहीं किचन कहाँ पे। अगस्तिया उसे किचन का रास्ता दिखाता है और वो खाना बनाने चली जाती है। दूसरी ओर एक जंगल में एक लड़की एक बच्चे को गोद में लेके भागी भागी जा रही थी और उसके पीछे बहुत सारे काले गाड़ियाँ उसका पीछा कर रहा है, जो देख के लड़की और भी ज़्यादा डरते डरते दौड़ी जा रही थी। पर तभी एक बड़ी सी काली गाड़ी उसके सामने आके रुक जाती है, लड़की भी डर जाती है और दूसरी ओर जाने लगती है, पर वहाँ से भी काली गाड़ी आके उसे घेर लेती है। अब गाड़ियों की कतार ने उसे गोल करके घेर लिया था, अब बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डरते डरते अपनी रुवासी आवाज़ में कहती, कौन हो तुम सब, क्यों ऐसे मुझे घेरे हो, जाने क्यों नहीं देते, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम सबका, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, किसने भेजा है तुम्हें। तभी एक गाड़ी का डोर खुलता है और धीरे धीरे करके सारी गाड़ी का डोर खुलता है और उसमें से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स निकलते हैं और एक बॉडीगार्ड जाके सबसे ज़्यादा लग्जरियस कार का डोर ओपन करता है, साथ ही साथ एक बहुत ही हैंडसम सा आदमी उससे निकलता है,
जिस आदमी को देख के वो लड़की डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर कहाँ भागेगी, चारों ओर से तो गाड़ियों की कतार ने उसे घेर लिया था। वो आदमी अपने जेब में हाथ डाले बहुत ही रिलैक्स होके उसके पास जाता है और कहता है, तो इतने दिनों तक कहाँ थे तुम, बहुत ढूंढा तुम्हें पर तुम मिले नहीं, फाइनली इतने दिनों बाद मिले हो, और ऐसे मेरे बच्चे को लेके कहाँ जा रहे हो तुम। ये सुन के वो औरत कहती है, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे लेके जहाँ जाऊँ, मेरी जहाँ मर्जी जाऊँ, तुम होते कौन हो बोलने वाले, मुझे जाने दो। ये सुन के वो आदमी चीख के हंसता है, कहता अरे तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसे बस जाओगी मुझसे और तुम ऐसे मुझे पहचानने से इनकार कर दोगी तो सच बदल थोड़ी जाएगा कि तुम मेरी वाइफ हो, और मेरी प्यारी वाइफ अच्छी बच्ची की तरह मान जाओ और मेरे साथ घर चलो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकती। चलो मान जाओ मेरी बात और जाके गाड़ी में बैठ जाओ और मेरे बेटे को मुझे दो। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और कहती, नहीं ठीक है मैं बैठती हूँ पर मैं मेरे बच्चे को नहीं दूँगी। ये सुन के वो आदमी डेविल स्माइल करता है और कहता है, ओके जाओ गाड़ी में बैठ जाओ और कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ, बिकॉज आई एम डेविल और मेरे अंदर दिल नहीं है, ये तुम्हें पता है। ये सुन के वो डरते डरते कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, ये बोल के वो चली जाती है। असल में ये आदमी अहान है और ये औरत टिया, जो कि रेहान के असली माता पिता है। रात का वक्त, वाइट फेंट हाउस। बामाक्सी सारा दिन इतना काम करके बहुत थक चुकी थी, उससे अब हिला तक नहीं जा रहा है। उसने जैसे तैसे खाना खाया और कमरे में आके बिस्तर पे लेट गई, पर तभी कमरे का डोर ओपन होता है और अगस्ती आके सोफे पे बैठता है और लैपटॉप लेके काम करने लगता है, जो देख के बामाक्सी एक गहरी सांस लेती है और बिस्तर ठीक करके लेट जाती है, क्योंकि वो बहुत थकी हुई है। वो लेटी हुई थी तभी उसके मन में कुछ आता है और उसके गाल हल्के लाल हो जाते हैं। असल में उसे बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर हो रहा था, प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल है, पर वो इस पागल सन की अगस्त्या से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी अगस्त्या को नहीं बोला था, वो खुद से ही उसके डिज़ायर पूरे करते थे, पर अब वो कैसे बोलेगी कि मुझे आपका डिज़ायर है। वो बहुत ही ज़्यादा शर्माई हुई लेटी हुई थी। दूसरी ओर अगस्त्या को पता था कि प्रेगनेंसी में ये सब नॉर्मल है, वो जानबूझ के बामाक्सी को तड़पाना चाहता है, इसीलिए वो समझ के भी ना समझ बनने का एक्टिंग कर रहा है और चुपचाप लैपटॉप से अपना काम कर रहा है। इधर बामाक्सी चिढ़ जाती है और कहती है, ये महाशय ऐसे तो चिपकू बने रहते हैं और अपने पागलपन दिखाते रहते, पर अब क्यों नहीं आ रहे, मैं कब से इनका इंतज़ार कर रही हूँ, पर इन्हें तो कुछ सुनाई नहीं देता, पागल आदमी कहीं के। ऐसा सोचते सोचते कब वो अपना डिज़ायर को भूल के सो जाती है। दूसरी ओर से अगस्त्या